बुमराह के उपकप्तान बनने के पीछे की कहानी, चयनकर्ताओं की पंत अय्यर को सीधी चेतावनी, नहीं सुधरे तो खड़ी हो सकती है बड़ी परेशानी। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ तब हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान रह गया कि राहुल के साथ बुमराह को टीम इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि टीम में पंत अय्यर जैसे खिलाड़ियों के होने के बाद भी बुमराह को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि चयनकर्ताओं ने पंत और अय्यर को नजरअंदाज करके बुमराह को कप्तानी की जिम्मेदारी दी। तो आइए हम आपको इसके पीछे की हकीकत बताते हैं। हम अपनी स्टोरी में बताएंगे कि चयनकर्ताओं ने कैसे बुमराह को कप्तान बनाकर पंत और अय्यर को सीधी चेतावनी दी है कि या तो सुधर जाओ वरना भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दरअसल बहुत कम लोगों को ये उम्मीद थी कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अब स्पष्ट है कि चयनकर्ताओं ने इस तेज गेंदबाज को तीनों प्रारूपों में निरंतर अच्छे प्रदर्शन का इनाम दिया है। चयन समिति के करीबी सूत्रों के मुताबिक बुमराह की उपकप्तान के रूप में नियुक्ति पंत और अय्यर के लिए स्पष्ट संदेश है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अगर टीम में रहना है तो सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करना पड़ेगा, सभी प्रारूपों में रन बनाने पड़ेंगे। बुमराह 2016 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट हो या फिर वनडे या T20, बुमराह के प्रदर्शन का हर कोई कायल है। BCCI के सूत्रों ने कहा कि ये व्यवस्था एक सीरीज के लिए है, क्योंकि रोहित शर्मा का वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में वापसी करना तय है और तब राहुल उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। हालांकि चयनकर्ता बुमराह को उनके निरंतर अच्छे प्रदर्शन और अच्छे क्रिकेट दिमाग का इनाम देना चाहते थे, इसलिए उन्हें ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर पर प्राथमिकता दी गई। चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष MSK प्रसाद ने भी इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह बहुत समझदार हैं और काफी सूझबूझ से काम लेते हैं, इसलिए उन्हें क्यों ना इसका सम्मान दिया जाए। मुझे ये फैसला पसंद है। अगर एक तेज गेंदबाज सभी प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे कप्तान बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि बुमराह इस वक्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं और इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेंगे, जिसमें वो KL राहुल का साथ निभाते हुए नजर आएंगे। जब रोहित शर्मा टीम में वापस जुड़ेंगे तब रोहित के साथ KL राहुल ही उपकप्तान होंगे। लेकिन अफ्रीका के खिलाफ बुमराह को उपकप्तान बनाकर चयनकर्ताओं ने पंत और अय्यर को साफ संदेश दे दिया है कि या तो प्रदर्शन करके दिखाओ या फिर टीम से बाहर जाओ। वैसे ये नियम केवल पंत और अय्यर के लिए नहीं बल्कि हर खिलाड़ी के लिए है। अब जो प्रदर्शन नहीं करेगा वो टीम में जगह नहीं बना पाएगा। आपको बुमराह को उपकप्तान बनाए जाने पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।